बॉटल फ्लिप फुट चैलेंज। किरोल नाम के गांव में दशरथ नाम के एक धनवान को किट्टू नाम का बेटा था। किट्टू अमीर होने के बावजूद भी दोस्ती की बहुत कदर करता था, मगर उसके दोस्त जित्तू और भद्री उससे हरदम पैसे खर्च करवाने के लिए ही सोचते थे। एक बार किट्टू भद्री जित्तू के पास जाकर वो एक बिरयानी होटल खोलेगा कहकर बताया। ये सुनकर जित्तू, ये क्या भाई, उतने पैसे रखकर एक बिरयानी होटल लगाओगे क्या? तुम्हारे पिताजी के इज्जत का क्या होगा? कहा किट्टू तब, भाई हम आवारा घूमेंगे तो माता पिता की इज्जत जाएगी, मगर ऐसे व्यापार करे तो क्यों जाएगी, वो लोग खुश होंगे ना। हाँ, एक और बात, लोगों को आकर्षित करने के लिए बॉटल फ्लिप फूड चैलेंज रखने की सोच रहा हूँ। उसमें जीतने वाले को बिरयानी के साथ साथ प्राइज मनी भी देने की सोच रहा हूँ, क्या कहोगे? कहकर वहाँ से चला गया। जित्तू से भद्री, भाई ये किट्टू इतने पैसे रखकर एंजॉय करे बिना हरदम सेवा बिजनेस यूं कहते रहता है। अगर उसकी जगह पर हम होते तो जिंदगी को कैसे जीते है उसे दिखाते थे। छी, वैसे भी इसके साथ घूमते हुए हम आए दिन घर में डांट खा रहे हैं। कहा जित्तू तब, हाँ यार तुम सच कह रहे हो, घबराने की क्या जरूरत है, अब ये बिरयानी होटल खोलेगा ना, अब इसे हारना क्या होता है पता चलेगा। कुछ बॉटल फ्लिप फूड चैलेंज कह रहा है ना, अगर हम उसके साथ नहीं रहे तो वो घाटे में जाएगा, कहकर सोचे। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद किट्टू एक अच्छा बिरयानी होटल खोला। किट्टू लोगों से, हाय फ्रेंड्स, आपके लिए अद्भुत बिरयानी तैयार करवाया हूँ, उतना ही नहीं आपके लिए बॉटल फ्लिप फूड चैलेंज का आयोजन भी कर रहा हूँ। चैलेंज बहुत आसान है, मेरे साथ दो लोग बॉटल चैलेंज में भाग ले सकते हैं। हम आधा भरे हुए बॉटल को ऊपर उछालकर फ्लिप करेंगे, बोतल खड़ी हुई तो फ्लिप करने वाला एक निवाला बिरयानी खाएगा। जो कोई भी मुझसे ज्यादा बार फ्लिप करेगा उसे पैसों के साथ साथ बिरयानी भी मुफ्त में देंगे। हाँ, एक और बात, लगातार 3 बार जो भी बॉटल को फ्लिप करेगा वो इस चैलेंज का विजेता बनेगा। कहा, ये सुनकर लोग तालियां मारने लगे। अब लोग किट्टू के साथ बॉटल फ्लिप चैलेंज में भाग लेने लगे, मगर भाग लेने वाले आसानी से किट्टू को हरा कर चैलेंज जीतने लगे। ये सब जित्तू और भद्री देखकर बहुत खुश होने लगे। वो दखलअंदाजी नहीं करना चाहते थे, इस वजह से बेचारा किट्टू लोगों को पैसे और बिरयानी देते ही जाने लगा। मुनाफे से ज्यादा नुकसान हो रहा था। एक बार किट्टू भद्री और जित्तू से, भाई मैंने कुछ और ही सोचा था, मगर नुकसान बहुत हो रहा है यार, तुम दोनों बहुत समझदार हो, लोग ना जीते ऐसा कुछ करके बॉटल चैलेंज का आयोजन करो, मुनाफे में से आधा आपको दूंगा। कहा, यह सुनकर भद्री जित्तू बहुत खुश होकर मान गए। तब से वहाँ आए लोगों के साथ भद्री जित्तू भी एक के बाद एक करके चैलेंज में भाग लेने लगे। वो दोनों वहाँ आए लोगों को मौका दिए बगैर पहले अटेम्प्ट में ही लगातार 3 बार बोतल को आसानी से फ्लिप करके खड़ा करने लगे। ये देखकर वहाँ आए लोग कुछ बात करे बिना चुपचाप चले जाने लगे। अब लोग बिरयानी खरीदने लगे, धीरे धीरे खरीदारी भी बढ़ने लगी, मुनाफा भी बहुत मिलने लगा। एक बार ये गौर करके किट्टू भद्री और जित्तू को पैसे दिया। बाद में उनसे, भाई मैंने बहुत मेहनत की फिर भी जीत नहीं पाया, मगर तुम लोग आसानी से कैसे जीत गए? पूछा जित्तू तब, आसान है भाई, पानी में थोड़ा नमक मिलाए तो बस है, वो बोतल खड़ी होगी, हमने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। हाँ, एक और बात, हम घर पर अच्छे से प्रैक्टिस भी किए। किट्टू तब, सुपर यार, मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है कहकर एक आस थी। इन 15 दिनों में तुम लोगों ने अद्भुत एडमिनिस्ट्रेशन किया और मैंने तुम्हारे समझदारी को देखा है। आप लोग इस बिरयानी सेंटर को बहुत अच्छे से चलाए, अब से ये बिरयानी सेंटर आप लोगों को तोहफा दे रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छे से चलाओ, ये हमारे दोस्ती का तोहफा है, सोचो। कहा, इससे जित्तू भद्री दोनों किट्टू के अच्छे मन को देखकर उससे माफी मांगे।